ए किसान, स्पॉट यही है ना? हाँ सर। ठीक से बताओ, वो अंदर है कि नहीं? हाँ सर, कसम से वो लोग अंदर ही हैं सर। आप तो जानते ही हैं वो कितना डेंजर लोग हैं सर। आपके खातिर मैं जान पर खेला हूँ सर, अब आप भी तो ये ले और कुछ दिन के लिए भाग जाओ। ठीक है सर, थैंक्स सर। ए, वो अंदर ना हुए तो तेरी वाट लगा दूंगा। अंदर ही है सर। चुप कर सर, पता नहीं अंदर कितने लोग हैं। अगर हम अपने साथ कुछ पुलिस वाले बुला लें तो उन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। हम मुट्ठी भर लोग हैं सर, क्या कर पाएंगे? चुप, यहाँ बंदूकें बोलती हैं, हम नहीं बोलते। एक तो लेट आया ऊपर से बकबक, इसका नाम क्या है? नया मुर्गा है सर, अभी अभी ज्वाइन किया है। सर, मेरा नाम सतनाम है सर। सतनाम सर, शादी हो गई? नहीं सर। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं सर। क्यों नहीं है? प्रभाकर सर, इसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम अपने में से एक आध इसको दे दो। वो नहीं चलेंगी सर। ऐसा क्यों? वो सब इसकी अम्मा लगेंगी। हमेशा झूठ बोलता रहता है। या सर। हाँ तो सतनाम सर, कभी किसी लड़की के साथ रात बिताई है? सोचा भी नहीं सर। सोचा भी नहीं? नहीं। तो जा और जाके आप सोच। नहीं सर। कहाँ ना जा। ओके सर, जा रहा हूँ। हाँ, बिलराज सर। सर सब ठीक है ना? यस सर। वो अंदर है? हाँ अंदर ही है सर। ठीक है, सबके सब अंदर ही है। अच्छा, सर। हाँ? सब मारे जाएंगे। हाँ सर। अंसारी सर, पेट अंदर कर, सांस मत रोक, इस पेट को कम कर। चलो शुरू करें। यस सर। बॉयज ऑल रेडी? रेडी सर। ओके। ए, तुम लोग इधर ही खड़े रहो। हाँ सर। और ध्यान रखना। ओके ओके सर। अच्छा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया है? हाँ कर दिया सर। ए, किया है ना? उन्हें तो कल ही इन्फॉर्म कर दिया था सर। बेलराज दिस वे। यस सर। ओके बॉयज, सर खुद को गोली लगने से बचाना। यस सर। कम ऑन, एक्शन टाइम। ए ए, कौन है? अरे भाग भाग, चल निकल। अभी टपक जाता। सर सरेंडर कर रहा हूं। अगर सरेंडर करना था तो पहले क्यों नहीं कर दिया? इतना दौड़ाया क्यों तूने मुझे? सर टेंशन में भूल गया सर, मुझे माफ कर दो सर। बता वेदा कहाँ है? मैं नहीं जानता सर। वेदा कहाँ है? सच में नहीं जानता सर। सर सर सर, मेरे बाल बच्चे हैं सर, उनकी सोचिए ना सर, प्लीज सर। सर मैं आपको कुछ दे दूंगा सर। कुछ भी दे देगा? हाँ। क्या देगा? पैसे ले लीजिए, आप जो भी मांगेंगे। चल एक जोक सुना। जोक? सर एक नदी पर हाथी और चींटी नहा रहे थे। फिर चींटी की चड्डी खो गई, उसने हाथी से पूछा मेरी चड्डी तो नहीं चुराई? ए, ये कोई जोक है? बिना सर पैर वाले जोक मत सुना। सर एक गांव में एक बार साइमन, तेरा हाथ क्यों कांपा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगली बार ऐसा मत करना, सीधा ठोक देना। ओके सर। हेलो बॉयज। सर। मिस्टर सतनाम। हाँ सर। एविडेंस के साथ छेड़छाड़ मत करना। बिल्कुल नहीं सर। हे, जिसे अभी शूट किया है वो कौन था? मुनी, वो वेदा का टॉप शूटर था सर। अच्छा। उस पर 5 मर्डर और 8 हमलों का आरोप था। उसका निशाना बहुत पक्का था सर। वो तो मैंने देख लिया। और वो मोटा कौन था? सर वो 6 महीने पहले ही गैंग में आया था, उस पर 2 अटेम्प्ट टू मर्डर और कुछ फिरौती के केस थे। और ये कौन है? ये कोई नहीं है सर, बेचारा बेकार में फंस गया, वैसे देखने में बदमाश लगता ही है। सर इसके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं सर। ठीक से छानबीन कर। ठीक है सर। ओह नो, एसीपी को पता लगा तो मुसीबत हो जाएगी।
अरे सहारनपुर में जो इनकाउंटर किया था उसमें हथियार भी तो मिले। जी सर। वो कहाँ है? जीप में है सर। जा जाके लेके। हाँ सर। बॉयज यहाँ आओ, बॉडी को जरा इधर सरकाओ। लेट्स सी, इसकी पोजीशन दरवाजे की तरफ हो। थैंक्स। गोलियां दो। जी सर। अगर सबूत को ऐसे पकड़ेगा ना तो सीधा जेल जाएगा। प्रभाकर दो गोलियां ऐसे दे। लास्ट टाइम किसने गोली खाई थी? सर मैंने। सर तुमने खाई थी? जी। तो ठीक है, इस बार गोली प्रभाकर की मोटी मोटी जांग पर छेद करेगी। ठीक है सर। अगर गोली 2 इंच ऊपर लग गई तो इसकी गर्लफ्रेंड रोने लगेंगी। अरे छुपे सर, हाथ पे। हाथ पे मारू? चल ठीक है, आजा। ए चल इसका हाथ पकड़। हेलो मिस्टर लवर, कस के पकड़ो। प्रभाकर रेडी? यस सर। ऑन थ्री। ओके ओके। वन। अरे तू क्यों चिल्ला रहा है? गोली मुझे लगी है। हाथ छोड़ मेरा। सदनाम, ये लेफ्टी है राइटी? सर पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। ध्यान दे, घड़ी किस हाथ में पहनी है? राइट में नहीं, लेफ्ट में सर। मतलब राइट ही है सर। करेक्ट। ओके बॉयज लिसन केयरफुली, जैसे ही हम लोग वहां से अंदर घुसे, इस आदमी ने हमें देखते ही हम पर गोलियां चलाई। साइमन ने डक किया और गोली वहां पर लगी, और दूसरी गोली प्रभाकर को लगी। तो हमने रिटर्न फायर किया। उसके बाद ये गुंडे हम लोगों पर फायर करते हुए भागने लगे। हम उनके पीछे भागे और इसी गोलीबारी में उस मोटे की मौत हो गई। मुनी भागा, मैंने पीछा किया, उसने गोली चलाई और मैंने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया। ओके क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। ऑलराइट अंसारी, प्रभाकर को हॉस्पिटल लेकर जाओ। चलो। सत्तम अब तेरी बारी। इनफैक्ट इस बार थोड़ा और टफ होगा। इसकी फर्स्ट हियरिंग आज से कई साल पहले 2011 में हुई थी सर, इसी वजह से ये नोटिस आया है। उसका नाम बलराम है सर। कोई नया बॉयफ्रेंड है क्या? सर उसके दूसरे ही दिन उसकी पत्नी और बेटी हमारे ऑफिस भी आए थे, चर्च गेट वाले ऑफिस में। नहीं सर, चोट लगने का सवाल ही नहीं है। कौन? पुलिस का ही तो टेंशन है सर। खुश आओ। प्रिया अभी तक फोन पे लगी है। हमें जल्दी करो यार। वेट। यस सर, मैंने दोपहर को ही कॉल किया था। क्या है? मैंने उनसे 8 बजे कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। चीयर्स। चीयर्स। हाँ मेरे पास है सर। श्योर सर, मैं फोटो व्हाट्सएप कर देती हूँ। ट्रैफिक का हाल। शहर में आज काफी ज्यादा जाम चल रहा है। जवाहर चौक पर एक एक्सीडेंट होने की वजह से पत्नी नगर और एमजी रोड की तरफ काफी सारी गाड़ियां घुमा दी गई हैं। इसलिए आपको हम सूचित करते हैं कि वहां जाना अवॉइड करें। मुझे निहार रही हो? तुम्हारे सर के पीछे भी आंखें हैं क्या? इसलिए मुझे पुलिस वाले बिल्कुल पसंद नहीं। एंड आई हेट लॉयर्स। पीछे देखो, यहाँ आए हुए हमें 3 महीने हो गए हैं, अभी तक सामान पैक्ड है। ठीक है, खोल देते हैं। यहाँ आओ। तो शी इज नॉट। हाँ ओके, तो मेरी नहीं जमेगी इससे। मुझे भी पुलिस वाले कुछ खास पसंद नहीं। विस्की लार्ज विद आइस। ओके सर। थैंक यू। विस्की लार्ज विद आइस प्लीज। चीयर्स। चीयर्स। Ha 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 ha!
याद है जब हम पहली बार लड़े थे तो मुझ पर शेरनी की तरह उड़ रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाया था। पहले डांटती हो, फिर गिफ्ट देती हो, आई फील यूज्ड। मेरी जिंदगी के पन्ने हवा में पलटते जा रहे थे और हर आने वाले पन्ने पर तुम कुछ ना कुछ चमत्कार कर रहे थे। मैं तुम्हारी तरफ खिंची चली आ रही थी और फिर हमारी शादी हो गई। तुम्हारी मोहब्बत का जादू ऐसा चला कि मैं हंसना सीख गया। देखते ही देखते हम दोनों एक ही राह पर चल पड़े। सो जाए। सिर्फ सोएंगे? बहुत थक गई हूं। दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। और एक दिन साइमन अपनी फैमिली के साथ हमारे घर पर आया था और अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। hey, एलेक्स, एलेक्स क्या हो बेटा? एलेक्स ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सांस लो, सांस लो। रिलैक्स बेटा, इसे अस्थमा है। He'll be okay. बेटा ठीक लग रहा है? कुछ नहीं होगा। क्या जोक मारा है सर? क्यों अंसारी बाबू, 1.5 लाख देकर आप अपने बेटे को ऐसा क्या पढ़ा लोगे जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते? पढ़ाई की किसको पढ़िए, उस स्कूल में बड़े बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। हा? हमारे एसीपी की बेटी मेरे बेटे की क्लासमेट है। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारा बेटा उसे पटा लेगा और तुम एसीपी के समधी बन जाओगे। यही तो मेरा प्लान है सर। आप मत देख सर, आजकल स्कूल के बच्चे भी सब कुछ समझते हैं। सर इसे देखो, क्या रे तुम मर्द बना कि नहीं? नहीं सर, क्या बोल रहे सर, आप तो सब कुछ जानते हैं। इसे ले जाइए, एक दो बार बच्चा गली घुमाएगा तो अपने आप ही मर्द बन जाएगा सर। क्या बोलता है, चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या चलेगा, शक्ल से डरपोक लगता है। एक बार इसे वेदा के सामने भेज दो, पैंट गीली नहीं हुई तो मेरा नाम बदल देना। अरे सर, वेदा को देखा है तूने? नहीं सर, अभी तक तो नहीं देखा। तूने नाम भी नहीं सुना? इधर आ। आज से 5 साल पहले राजगीर के चूड़ी बाजार में शेखर नाम का एक खतरनाक डॉन था। 24 घंटे अपने चमचों से घिरा रहता था, फिर भी उसे मार डाला वेदा ने। पता है कैसे मारा? कैसे सर? उसने पहली मंजिल से छलांग लगाई और हंसी से उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। सर पोस्टमार्टम कैसे हुआ होगा? गर्दन कटती तो सिला जा सकता था, बीच से कटने पर कैसे सिलाया होगा? अरे पोस्टमार्टम में कितना झंझट हुआ पूछो मत, फिर भी मैनेज किया हमने। ए सतनाम चल इधर आ। सर सुबह आके कुछ काम किया कर, चल मोटे और मुनि पर सर्कल कर। सर जिसको मार देते हैं उसको सर्कल करते हैं? ए जो बोला वो कर, चल जा। हेलो, हाँ 2 लाख डूब गए, गलत घोड़े पे तो नहीं लगा दिए? बैठे बैठे सर। ए पांडियन, जब्त की हुई मोटरसाइकिल की इतनी पूजा और साफ सफाई क्यों कर रहा है? सर ये नई खरीदी है सर, फुल पेमेंट किया सर। अरे गांव की जमीन बेच दी क्या? 149 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन खरीद ली? इतना नहीं जानता सर, पीछे बैठने पर मेरी वाइफ हाइट में छोटी पड़ती थी ना सर, इस बाइक पर बराबर आती है। कुछ भी बकता है, चुप। आना चाहिए तारे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे इसने यूनिफॉर्म क्यों पहनी सर? इसे हमारी यूनिट पसंद नहीं है, दूसरी यूनिट में जाना चाहता है। हाँ सर। हाँ वो तो लगा ही था, चले जरा। जी सर। फिर तू इस खिलौने को रख के क्या करेगा? सर ये लीजिए। ये क्या, दूसरी शादी करने जा रहे हैं? नहीं सर, मेरी बहन की शादी का कार्ड। अरे वाह, 5-स्टार होटल में शादी कर रहा है, गुड कंग्रेचुलेशंस। लड़का क्या करता है? इंजीनियर है सर। इंजीनियर है तो इतना भाव क्यों खा? जस्ट किडिंग, मैं आऊंगा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। सर कहाँ है? वो बाहर है। ए जाके अलमारी साफ कर सर। हाँ सर। विक्रम कमाल है, जानते हो तुम्हारे रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों मैच हो गई, गुड वर्क। थैंक यू सर। साइमन कहाँ है? सर एलेक्स को लेकर हॉस्पिटल गया। नथिंग सीरियस सर, रूटीन चेकअप है। उसके बारे में आपने क्या पूछा? नहीं, सुना है कि एमएचबी नगर में मुनि की फैमिली से मिलने वेदा वहां गया था। इम्पॉसिबल है सर, वो हमारी निगरानी में है। अफवाह होगी, साइमन पता लगा लेगा। सर मैं पता लगाता हूँ। ओके सर, वेदा के बारे में पूछने पर पता नहीं लोग चुप क्यों हो जाते। सर मैंने बाकी सब पता किया सर, मोटा वाला अकेला था और मुनि को एक बेटा भी है, उसका नाम 15 है और उम्र दिलीप है, सॉरी नाम दिलीप है, उम्र 15। वो कहाँ है? वहाँ सर।
चलना। तुमने मेरे बाप को मारा ना, तो क्या अब माफी मांगने आए हो? मुनी को तो मरना ही था। अच्छा ही क्या साहब, चला बहुत ही घटिया आदमी था, रोज पीकर पीटने का मेरे को। ये जुल्म सहने वाले तुम अकेले नहीं हो, कोई ना कोई हर रोज ये जुल्म सहता है। मार खाइए बेल्ट से। मेरी छोटी सी गलती पे मेरी चमड़ी उधेड़ देते थे। पापा पुलिस में थे, उनसे बस मैंने एक ही बात सीखी थी, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, बीच में कुछ भी नहीं। लेकिन साहब मैंने अपने बाप से कुछ भी नहीं सीखा। ए, बोतल छोड़, गोली मार दूंगा। ए, 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 कर नीचे कर। ऐसा क्यों किया तूने? जिसने मेरे बाप का खून किया वो मेरे सामने खड़ा है और मैंने उसको कुछ नहीं किया तो पता लोग क्या कहेंगे? तू तेरे बाप की औलाद नहीं है, छोड़ा मुझे। अभी भी कुछ खास बदलाव नहीं है, पर डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगा। चलता हूँ। ओके लेट्स गो। यस सर, आपने मुझे गन हटाने को क्यों कहा था? सर आपने देखा नहीं, वो इतने गुस्से में था कि आपको मार भी सकता था। वो बच्चा मुझे क्या मारता, इंसान की आंखों में देखकर समझना चाहिए कि वो क्रिमिनल है या मासूम। एक मिनट रुको। हाँ साइमन, क्या बात है बोलो। कमिश्नर के ऑफिस में हो ना, मैं आता हूं, रास्ते में हूं, आ रहा हूं। क्या इस आदमी को देखना, इसकी आंखें बताती हैं कि पक्का फ्रॉड है, अब बोलेगा चेन स्प्रॉकेट नहीं है। सर सब कुछ मिल गया लेकिन चेन स्प्रॉकेट नहीं है, बाइक भी 78 का मॉडल है सर। मैं तो कहता हूं आप उसे बदल दीजिए, बस 2000 ही ज्यादा जाएंगे। इसे अभी गोली मारें या बाद में? सर 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 सर, आवाज भी कैसे कर रही है सर, डुब 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 कर रही है। मुझे डुब डुब अच्छी लगती है, जाके स्प्रॉकेट लेके लाता हूं सर। मैंने जो कहा समझ नहीं आया ना? नहीं सर। हर इनकाउंटर के बाद मैं चैन की नींद सोता हूं। क्यों पता है? नहीं सर। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किसी बेगुनाह को नहीं मारा। धीरे धीरे समझ जाएगा। ऑलराइट ऑलराइट सर। जरा इनकी बड़ी हुई दाढ़ियां तो देखो, पुलिस वाले लगते ही नहीं है। इस यूनिट को बंद कर देना चाहिए। सर प्लीज सर, ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं, क्योंकि वेदा का आतंक बहुत फैल गया था, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए ये यूनिट बनाई गई थी। एक बार सोचिए सर, इस गैंग वॉर में कितने मारे गए, वेदा ने उन्हें पब्लिक प्लेस में मारा है। तो क्या चाहते हो, तुम लोग भी जिसे चाहोगे मार दोगे? तो फिर हम करें तो क्या करें सर, वारंट निकाल कर अरेस्ट करें क्या? उसके खिलाफ हमें कोई गवाह नहीं मिलेगा, बस उसे देखते ही गोली मार सकते हैं। शूट एट साइट ना, मानव अधिकार का उल्लंघन, इसका पुलिस जवाब दे। पुलिस की गुंडागर्दी इंस्पेक्टर साइमन द्वारा किया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर। हाँ तो क्या, पुलिस प्रोसीजर में एक प्रोटोकॉल होता है, जानते हो या बताऊं? जानता हूं सर, लेकिन प्रोटोकॉल प्रोसीजर फॉलो करने जाएंगे तो तीन गुंडों की जगह तीन पुलिस वाले मारे जाएंगे। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं वो उन गुंडों से जरा भी अलग नहीं है। क्या कहा? ए विक्रम, आपने सर, उस ऑपरेशन का प्लान मेरा था, प्रेस में मेरा नाम छपा है सर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझ पर एक्शन लीजिए। ए तुम्हारी ड्रिंक में पानी कम है। आइस 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 भाईवान। एकदम सही टाइम पे आता है सर, इसकी शक्ल देखिए, मेरी गलतियां अपने सर लेगा मिस्टर सैक्रिफाइस। कितने क्यूब? दो 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 साइमन। हाँ उस समय गलती मेरी थी, लेने दो एक्शन उन्हें, वो बुड्ढा क्या कर लेगा।
क्या सर? वो सर क्या कर लें? ए, मेरे साथ आओ। अब क्या जाना? पुलिस की नौकरी के अलावा तुम्हें कुछ और आता भी है? देखो, काम करो और निकल लो। ठीक है जमींदार साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सैमन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। वो कितने अच्छे दिन थे। हाँ यार, अब वो टाइम लौट करने है। काश पुराने दिन लौट आते। हम बेकार में इस घिनौने काम में उलझ गए। यार ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं विके, लेकिन कभी कभी लगता है सब छोड़कर भाग जाऊं। इतना परेशान क्यों है? क्या हो गया? कितनों को मारा है, कितना पाप किया है हमने। ए, एक बात की मैं तुझे 100% गारंटी दे सकता हूं, तू तो स्वर्ग जाएगा और मैं भी जाऊंगा। हम अच्छे लोग हैं, वी आर द गुड गाइज। उन गुंडों को मारकर हमने कुछ गलत नहीं किया है। मेरा बेटा मेरे पाप भुगत रहा है। वर्स्ट लॉजिक। मुझे नहीं पता तुम ये काम करके चैन से कैसे सोते हो। मैं और अनीता तो कितने दिनों से सो नहीं पाए। एलेक्स की बीमारी हमें सोने नहीं देती। तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? और तुम्हारी सेंटी बातों की वजह से। तुमने नीट पिलाई, मेरा सर घूम रहा है। विक्रम, हाँ, तुम भी ना यार। इंटेलिजेंस ने अभी खबर दी है कि वेदा जहां छिपा है वो जगह मिल गई। एमएचबी नगर में छिपने की इंफॉर्मेशन है। अगर वो अलर्ट हो गया तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। ओके सर, हमें खबर मिली है कि वेदा इसी इलाके में कहीं छिपा हुआ है। इसके 3 जंक्शन पर अपनी दंगा कंट्रोल टीम के साथ गिरी, वेलराज और सतनाम रहेंगे। तुम्हारा काम लोगों को आगे बढ़ने से रोकना। इसके 3 एग्जिट पॉइंट को अंसारी, प्रभाकर और पांडियन तुम मॉनिटर करोगे। Yes, okay. और ध्यान रहे, लोकल पुलिस इस पॉइंट को पार करके घुस ना पाए। ठीक है, अदरवाइज आवर ऑपरेशन विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं और साइमन अंदर जाएंगे। एनी क्वेश्चन जेंटलमैन? नो सर। यहां वेदा का बहुत दबदबा है। ऑपरेशन के दरमियान ऐसा भी हो सकता है कि दंगा फसाद हो जाए। सो बी अलर्ट। ऑल क्लियर? यस सर।
तूने शेखर को चूड़ी बाजार में सबके सामने क्यों काट डाला? उससे तेरी क्या दुश्मनी थी? जवाब दे, तेरे बारे में सब जानते हैं। सीधी तरह जवाब दे, नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। मैं पूछे जा रहा हूँ और तू गूंगा बना हुआ बैठा है। तूने दो तीन मर्डर क्या कर लिए? तू सोचता है कि मैं डर जाऊंगा? मुझे कोई आलतू फालतू पुलिस वाला मत समझना। अगर नहीं बोला तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। देख, मैं जानता हूँ कि तुझे किसी का चिल्लाना पसंद नहीं है। पैदा एक बात बता दूं, मैं दूसरे पुलिस वालों जैसा नहीं हूं। तू सच बता दे तो मैं तेरी मदद करूंगा, और अगर तू चुप रहा तो फिर मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देख, पैसा जाए तो जाए, पर जान बेशकीमती है। जान है तो जहान है। अगर अब तूने अपना मुंह नहीं खोला और यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुझे शूट कर दूंगा। आखिर तू खुद को समझता क्या है? हाँ? देख, ये तेरा ससुराल नहीं है जहाँ तू सरेंडर करके मौज से रहने आया है, समझा? देखता हूँ तू जिंदा कैसे बचता है। ये तो मारने की बात कर रहा है। ये जो कुछ भी कह रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। और हम क्या कर सकते हैं? दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसीलिए एनकाउंटर्स के ऑर्डर पर सरेंडर तो कर दिया ना। अब इसे कोर्ट में पेश करने के बारे में सोचो। हम पर वैसे भी काफी प्रेशर है, उससे कुछ ना कुछ कबूल करवाना होगा। स्ट्रिक्टली नो वायलेंस। गांधी जी के चेले हैं ये। इसका चुप रहना किसी खास बात की तरफ इशारा कर रहा है। बोलते हो या दूसरी तरह से पूछो? लेकिन एक बात तो है, जीनियस है ये आदमी। जीनियस है सर? एक क्रिमिनल की इतनी तारीफ मत कीजिए। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। इसको डर था कि अगर ये हमें मिल गया तो मारा जाएगा, इसलिए इसने ये सरेंडर किया। ये चाहता तो छिपा रह सकता था, पर इसने सरेंडर क्यों किया? कुछ तो चाल है। एक कहानी सुनाओ सर। खामोशी से डर लगता है। आपकी हंसी का मकसद समझता हूँ सर। और तेरी हंसी के पीछे का मजाक मैं समझता हूँ, इसीलिए कैमरा ऑफ कर दिया मैंने, ताकि तेरी हंसी को चीखा बदल सकूं। सर, आप मेहमानों का स्वागत ऐसे करते हैं क्या? वेदा को वायलेंस पसंद नहीं। तूने सरेंडर क्यों किया? उसकी एक लंबी कहानी है सर, सुनना चाहेंगे क्या? वही किसी पिटी कहानी सुनाओगे कि मैं गरीब था, अनाथ था, मजबूरी ने मुझे इस धंधे में डाल दिया, वरना मैं दिल से अच्छा हूं। अरे, आपको कैसे पता चला? बिल्कुल सही बोला आपने। एक बात और भी पता है, अगर मैं तुझे 10 करोड़ दूं और तुझसे कहूं कि कल से धंधा छोड़ दे तो तू पैसे नहीं लेगा, लेकिन बाद में इसे लूटने का प्लान बनाएगा। ऐसा है तू? अगर वही 10 करोड़ मैं आपको दूं तो आप मुझे यहां से जाने देंगे और उसके बाद मेरा एनकाउंटर करवा के मुझे मरवा देंगे? ऐसे हैं आप। गुड वन। आपको नहीं लगता हम दोनों एक जैसे हैं सर? नहीं, पूंछ होने से चूहा बिल्ली नहीं बन जाता। सर, चूहों की प्रॉब्लम ना हो तो बिल्ली को कौन पूछेगा? तभी चूहे ने बिल्ली के डर से सरेंडर कर दिया। आपको नहीं लगता ये चूहा चूहेदानी में जानबूझकर आया? सही कहा, क्योंकि ये चूहा जंगली है और इसने 16 लोगों की हत्या की है। आप कौन से दूध के धूले हैं सर? आपने भी तो 15 लोगों को टपकाया है। 18। अरे हाँ, अभी अभी आपने एक बेगुनाह को मारा है ना? कोई बात नहीं सर, आप जीत गए। आपने 18 को मारा और मैंने 16 को। क्रिमिनल, पुलिस लाइन किस तरफ में और उस तरफ तुम? ठीक है सर, मानता हूं मैं बुरा और आप अच्छे, लेकिन बिल्ली को बचाने के लिए चूहे की जरूरत होती है। अब एक ऐसे चूहे की कहानी सुनिए जो पकड़ता है और काटता है, लेकिन खुद पकड़ में नहीं आता। हेलो सर, कैसे हैं आप? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम था। चेंबूर चेक पोस्ट से मेरी गाड़ी क्रॉस नहीं हो पा रही है। हाँ बिल्कुल सर, वहां के एसआई से मेरी बनती नहीं है ना, अगर आप कुछ कर सकें तो। हाँ सर, उसमें कुछ माल है, वो ज्यादा नहीं है, थोड़ी मदद कर देते तो। इलाना भाई, वो नहीं हो पाएगा। ओके सर, ओके, कोई बात नहीं, थैंक्स। ए दिल्ली, उस पुलिस वाले ने इनकार कर दिया, ये तेरी जिम्मेदारी है। मैंने तेरे भाई की वजह से तुझे एक काम दिया था। क्या? देख, मेरा माल मुझे इधर मांगता है तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? सब के सब निकम्मे पा रखे मैंने।
छेड़ा भाई। हेड़ा, आज तक मैंने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा माल लेकर आऊंगा। ये कौन रे? ए, फालतू बात मत कर, चल चल निकल, चल, चल निकल इधर से, चल। ए, बेटा, जब दिल्ली नहीं ला पा रहा है तो तू कैसे लाएगा, बता कैसे लाएगा। चल। उनके हिसाब से तो हम माल ढोने वाले गधे हैं, वो यही मानते हैं, यही हमारी किस्मत है। अरे किस्मत पर रोने वाले बदकिस्मत, जिंदगी जब मौका देती है ना तो वो मौका कुरियर से नहीं आता, समझा? जो भी चाहता है ना उसे पाने की कोशिश कर। वो चेक पोस्ट कहाँ है? ए दिल्ली, चल मारा, ये क्या? चल मारा जल्दी, क्या कर रहा तू? निकल, ए चुप कर, मारा, मेरे को मालूम नहीं है तू किससे बिठ रहा है। चल, मैंने बोला ना मारा, मैं तेरे को मारूंगा। चल नाटक मत कर, मारा चल। ए अगर छेड़ा को पता चल गया ना तो समझ ले तू तो गया। अरे छेड़ा को पता चले उससे पहले ही मैं उसे बता दूंगा। अरे गाड़ी रोक ले, पकड़े जाएंगे हम सब। आग तो नहीं फूटी? ए चुप रे, तूने मुझे मारा क्यों? पुलिस आ रही है, बेचारा बने रहे, रोता रहे। कल पुलिस स्टेशन आकर इसकी रिपोर्ट ले जाना। ठीक है सर। जरा सा बच गए नहीं तो जान चली जाती। जी शुक्रिया। कार में माल है, जैसे ही पुलिस चेक करेगी हम पकड़े जाएंगे। ये देख, आखिर तू करना क्या चाहता है? चुपचाप देखता रह, शांत हो जा। अरे हां साहब, क्या हुआ? अरे पकड़ उनको, उतर रहा हूं ना साहब, बेचारे को पकड़ के अंदर कर दो। अरे अरे आपको बस क्या रहता है? अरे 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 सर, ये टोकी गाड़ी आई है। हां जान दे रे, इसको जान दे। अरे दो जाने दो, हाथ पर उठाओ यार। चुप कर रहा। इतने सालों से मैं यह धंधा कर रहा हूं, फिर भी तेरे जैसे काम के आदमी को पहचानने में भूल कर बैठा यार। गलती हो गई दोस्त। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम वेदा है। पहला काम है इसलिए मेरी तरफ से गिफ्ट, अगली बार जब भी फंसोगे तो मुझे याद रखना। ओए, चलो कपड़े बदलो और नए कपड़े पहनो, तेरे लिए साबुन है, रगड़ रगड़ के नहाना। वेदा भाई, इसमें खाना है क्या? हाँ लाया ना, हर समय भूख लगी रहती है, तेरे लिए चप्पल लाया तू, वही का ये ले पकड़। तो अपने लिए कुछ नहीं लाया क्या? एकदम स्पेशल भाई, हीरोगिरी तो देखो। अरे वाह झकास वेदा भाई, इतना महंगा चश्मा लिया तो थोड़ा स्टाइल मार के दिखाओ ना। अभी देख। ए वेदा, तू जिस तरह से शुरू हुआ लगता है बहुत जल्दी डॉन बनेगा। ऐसा तुझे लगता है? हा? लेकिन पता है मुझे क्या लगता है? जिंदगी में बड़ा बनना है ना तो कभी भी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो क्या? और एक बात बता, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे दिमाग को पढ़े, इसीलिए चश्मा पहना है। हीरो। वेदा होता कौन है? मेरा काम उसे कैसे दे दिया? जो मन में आएगा वो करेगा, कर 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 कर, ठीक है। ए, बस इतना ही वट है तेरा? वो वेदा मेरा काम उससे छीनेगा? जुमा जुमा चार दिन हुए उसे यहाँ पर पैदा हुए, एक दिन मैं उसे काट डालूंगा। ए, पता है ना उसका साथ छेड़ा दे रहा है तो उसका कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ दिन के लिए तो कहीं छुप जा। हाले। कुछ नहीं करना है, जैसे रोज खेलते हो बस वैसे ही खेलते रहना है, ठीक है?
और अपने आंख और कान हमेशा खोले रखने हैं। जैसे पुलिस देखे तो मुझे आकर बताना है या फिर साधु भाई को बताना। अच्छा, कैसे पता चलेगा पुलिस आ रही है? जीप की आवाज़। हाँ, जीप की आवाज़ से। बूट पहने होंगे। बूट पहने होंगे। खाकी भी होगी और कपड़े खाकी वर्दी में होंगे। खाकी वर्दी पहचान लेंगे। पर वो हमेशा वर्दी में नहीं रहते हैं, तब कैसे पहचानोगे पुलिस को? उनके बाल छोटे होंगे। क्या बोला? छोटे बाल होंगे। उनके बाल छोटे होंगे और मुझे तनी होंगी और उनकी दाढ़ी नहीं होगी। समझ गए ना? तेरा नाम क्या है? पुन्नी। पुन्नी, अगर माल के साथ पकड़े गए तो क्या कहोगे? नहीं नहीं नहीं, पकड़े गए। तू यहाँ क्या कर रहा है? रवि भैया ने बुलाया था। कोई भी बुलाए तू चलाएगा? चल चंद्रा। ए रुकना, इसको कहाँ लेकर जा रहा है? ए, ये मेरा ही छोटा भाई है। तेरा ही छोटा भाई है ना, तो तेरी तरह बना दे इसे। अभी शुरू करेगा तो बड़ा होकर तेरी तरह बन पाएगा। ज्यादा बोल रहे, बच्चों को बुला के खराब कर रहा है। ए, इन्हें मैंने नहीं बुलाया, ये खुद से यहाँ पर आए। उन्हीं भी इनके साथ आया, पूछ ले। तू नौकरी दे रहा है क्या? हाँ। चल मुझे भी नौकरी पे रख ले। तुझे भी रख लेंगे, पैसे बता। 50%। ए, धंधे का टाइम खोटी मत कर। तुझे जो भी बोलना है साधु भाई को जाकर बोल, उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया है। तुझे क्या प्रॉब्लम है रे? जो होगा देख लेंगे। ए, तूने कहा था ना पुलिस बच्चों को नहीं पकड़ते, तो अब तू ही पलट रहा है। ए, चटखन्नी बिल्ली ज्यादा बोलेगी तो दूंगा। ए, मुझसे बात करना, बच्ची को क्या हुल दे रहा है? ये तू नहीं छेड़ा का भूत बोल रहा है, बहुत बड़ा भाई बन गया है क्या? यहाँ पर साधु के बाद मैं हूँ, मैं तेरा एरिया खाक कर डालूंगा। अरे रे रे रे, मैं तो डर गया, गलती हुई तो माफ कर देना, जाता हूँ। बड़ा आया दादा। जा जा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेंगे। चल बैठ। अगर तू वहां दोबारा गया ना तो ए, रो मत, कहा ना रोना बंद कर। ले रख ले। अरे कह रहा हूं ना रख। चल अब चला। अरे बटन दबा। मुझे बचाएगा नहीं? चल इधर आ, इधर आ। बच गया। बस एक दिन, कल मैं पौंडीचेरी से लौट आऊंगा। चंद्रा के साथ रहना, दादी को भी बता दिया है। घर से स्कूल और स्कूल से सीधा घर, समझा? पुनी, ओए मिस्टर पुनी, पढ़ाकू पुनी। जब तू बाहर जाता है तुझे कोई वेदा का भाई कहकर बुलाता है? कोई और नाम से बुलाता होगा? नहीं। तो क्या बुलाते हैं? पढ़ाकू। इस नाम से क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मैथ्स में मुझे 100 मार्क्स मिलते हैं। मतलब पढ़ाकू तुम्हारी पहचान है? हाँ। इसे कैसे बढ़ाओगे? बढ़कर। मन लगाकर पढ़ना। मैंने जो खिलौना लाया पसंद आया। हाँ। तुम्हें मैं पसंद हूँ? थोड़ा थोड़ा। एक पप्पी दोगे? तो दो। पढ़ाकू रेडी है? ठीक से पढ़ना। सुन चंद्रा, तू इससे बड़ी है ना, इसकी हाँ। अच्छी दोस्त है ना, तो इसका ख्याल रखना। बाय भैया। बाय। अरे पुलिस आ रही है। ए, वो देखो पुलिस है। अरे पूरा घर जाने पर क्या कहोगे? कि हमें रास्ते पर मिला। और कुछ बकबक मत करना। टावर ब्लॉक में दे दे, 50 रुपए दूंगा। जाने दो मुझे। 50 के बदले में 100 ले लेना। भैया ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा। 100 निकाल। ए चंद्रा जल्दी आओ, देख वेदा भैया को पता चलेगा तो नाराज हो जाएंगे। अरे बोलो ना रो। आप किधर है? क्या मैडम, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आओ चेक कर लो। चेक करो इसको। करता हूँ मैडम। आ जाओ।
देखा ना, मैंने कहा था ना मैडम, मैंने धंधे छोड़ दिए। मैडम ये पैकेट इस लड़की के बैग में मिला। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, आप मुझे इसमें मत फंसाना। ए, किसने दिया ये? किसी ने नहीं मैडम, ये सड़क पर पड़ा हुआ था। आप इसको क्यों मार रही है? हमें पैकेट रवि ने दिया था, हमें तो ये भी नहीं मालूम पैकेट में क्या है। शर्म आनी चाहिए तुमको, ले चलो इसे। पुलिस वालों ने बहुत तोड़ा, बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। 50,000 का नुकसान हुआ है। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता ना, हमें काम रोकना होगा। क्या नाम है उस लड़के का? पुन्नी। ए, अगर बाकियों ने भी ये सीख लिया ना तो धंधा खत्म हो जाएगा। हमारा धंधा अभी तक बचा हुआ है, जब तक बच्चे हमसे डरते हैं। तूने उसे छोड़ कैसे दिया? भाई वो वेदा का छोटा भाई है। तो क्या हुआ, वो कर क्या लेगा? जा उसे सबक सिखा के आ। हेलो हेलो। अरे क्या कर रहा है? हाथ में बहुत दर्द हो रहा है भैया। पुन्नी ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा। मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। मैं बस अभी आया। मुझे डर लग रहा है, मत जाओ। नहीं डरते नहीं है, तुम आराम करो। मत जाओ, मत जाओ। चलो आराम से सो जाओ, इसका ध्यान रखना। वेदा मैं भी आता हूं। नहीं, तो विक्रम सर आप ही बताइए, वेदा किसको सजा देगा? पुन्नी के हाथ में सरिया घुसाने वाले रवि को, या फिर साधु को जिसने हुक्म दिया? नाइस, तो तुमने सिर्फ एक गाड़ी ठोकी और फिर टोइंग ट्रक से स्मगलिंग की और उसके बाद तो डॉन बन गए। और पुलिस क्या कर रही थी, ताली बजा रही थी? विक्रम सर सवाल वेदा का नहीं है, इंसाफ का। इंसाफ? मुझे शक होता है कि जब तुम लोग गलत धंधा करते हो तो इंसाफ के बारे में सोचते हो, या हीरोगिरी दिखाने के लिए। वर्दी पहनते ही आप हीरो बन जाते हैं, पर हमें उसके लिए कुछ करना पड़ता है। खैर छोड़ो उस बात को, कहानी में अगर एक अच्छा और एक बुरा इंसान हो तो चुनना आसान होता है, लेकिन यहां जब दोनों ही बुरे हैं तो सजा किसे मिलेगी? इतना क्या सोचना, दोनों को मार दो। दोनों को सजा नहीं दे सकते, भले ही अपराधी हो, इंसाफ तो मिलना चाहिए। जिसने किया या जिसने हुक्म दिया, रवि को पकड़ा तो साधु भाग जाएगा और साधु को पकड़ा तो रवि बच जाएगा। रवि या साधु, अब बताइए सर, अगर आप होते तो सजा किसे देते? साधु ने भड़काया, रवि ने एक्शन लिया। रवि तो एक हथियार है बस, यूजलेस, क्योंकि साधु ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैं उसे मारता। अरे बोला था ना। तुमने जो कत्ल किया, भाई का बदला लेने के लिए किया या उस इलाके का भाई बनने के लिए? क्या है? भूल गए। प्रिया, तो ये तुम्हारा केस है। मिस्टर वेदा हमारी फर्म के क्लाइंट है और ये सीनियर लॉयर है। एंटीसिपेटरी बेल। जब बेल ही लेनी थी तो सारा डर क्यों किया? सर बेल के पेपर्स तो ठीक है ना? मैं तुझे, प्लीज मेरे लॉयर से बात कीजिए। ओके इंस्पेक्टर, तुझे क्या बोल रहा था वेदा? कुछ नहीं, अब मेरा दोस्त बन चुका है, मिलते हैं सर। रुक, ये कौन सा गेम खेल रहा है? पता लगाने का काम आपका है, इसीलिए तो पुलिस में हूं। आओ रवि। हम्म,
मुझे कैसे पता चलता कि ये केस तुम्हारा है? अब तो पता चल गया ना, प्रिया वेदा इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारा। हर चीज को अपने नजरिए से देखना बंद करो। मिस्टर वेदा हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। मिस्टर वेदा यहाँ आए 3 महीने हो गए, अब इस फर्म में नौकरी मिली है। मुझ जैसे जूनियर को इतना बड़ा केस मिलना बहुत बड़ी बात है। एक बात बताओ, वेदा ने ही सरेंडर किया था ना? ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने उसे खुद पकड़ा है। शट अप। तुम ध्यान से काम क्यों नहीं करती हो? छोड़ो, ज्यादा नहीं लगी। एनीवेज, हफ्ते दो हफ्ते में वेदा का एनकाउंटर कर ही दूंगा, फिर देखता हूं तुम किसकी वकालत करती हो। पहले उसके छिपने का ठिकाना तो ढूंढो, उसके बाद एनकाउंटर करना। रियली? प्रिया जरा सोचो, हम दोनों एक ही छत के नीचे एक ही केस हैंडल कर रहे हैं। आप पर्सनल लाइफ विल बी हेल। जब भी किसी का फोन आएगा, मैं एक कोने में और तुम दूसरे कोने में भागेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ एक ही केस देखेंगे तो ना ही कोर्ट और ना ही मेरा डिपार्टमेंट इसे एक्सेप्ट करेगा। कम ऑन प्लीज, तुम ये केस छोड़ दो। क्यों, मैं क्यों छोड़ दूं? मेरा काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि तुम्हारा काम। वेदा एक क्रिमिनल है जिसने 16 मर्डर किए हैं, उसकी वजह से हमारी जिंदगी चौपट हो जाएगी। तुम उसका केस लड़कर कोई बड़ा तीर नहीं मार लोगी। तुम वकीलों के पास जमीर नहीं होता क्या? ओहो, पुलिस के पास है। कानूनी तौर पर देखो तो जो तुम कर रहे हो वो भी गलत है। साइमन, मेरी शादी एक वकील से क्यों करा दी? हमेशा बहस करती है, उसकी बातें ना। मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करूँ। सॉरी, कोई खास बात है क्या? कहाँ जा रहे हो? केबल फैक्ट्री जा रहा हूँ। टिप मिली है कि कोई चंद्रा नाम की लड़की वहाँ ड्रग्स की डीलिंग करने वाली है। मैं भी आऊँ क्या? नहीं नहीं, मैं देख लूंगा। श्योर? या साइमन, बी केयरफुल। पिछले इनकाउंटर में वेदा का छोटा भाई भी मारा गया था। का प्लान मेरा था। जिसने किया या जिसने हुक्म दिया? एसपी साहब, उस एनकाउंटर में वेदा का छोटा भाई पुनीत मारा गया था। वेदा बदला लेने निकला है, उसने साइमन को टारगेट किया है। साइमन्स लाइफ इज इन डेंजर। अरे हट जा। साइमन, 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 इसको घुसने मत देना। जी सर।
चौकसी बढ़ा दो। ओके सर। विक्रम कहाँ है? अंदर है सर। फॉरेंसिक टीम को बुला। तुम्हारी गलती नहीं है, इससे पहले भी कई ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी अपनी जान गंवा चुके हैं। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते विक्रम। सर, कमिश्नर और एसी भी यहां आ चुके हैं, वो बुला रहे हैं। ए, कह दो आ रहा हूं। फैमिली को बता। सर, नहीं, मैं बताऊंगा सर। की रात वेदा शादी में गए हुए थे। तुम साइमन के कातिल को सपोर्ट कर रही हो। अगर अनीता को पता चला तुम तो कैसे कह सकते हो कि वेदा ही कातिल है? वेदा उस रात शादी में, देखो जिद मत करो। तुम जिद्दी हो। इसीलिए एक ही केस पति पत्नी को हैंडल नहीं करना चाहिए। प्रिया, तुम अभी जाओ प्लीज, कोर्ट में मिलते हैं। विक्रम, तुम्हारे इस तरह गुस्से से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। माना कि वेदा का मोटिव बहुत क्लियर है, क्योंकि उसका छोटा भाई एनकाउंटर में मारा गया था, इसलिए उसने ये सब किया। और प्रिया ने जो फोटोज हमें दिखाए हैं उनके मुताबिक वो उस जगह पर था ही नहीं। लेकिन सर, आप ऑटोप्सी रिपोर्ट तो देखिए। रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं विक्रम, जिन दो गोलियों के लगने से साइमन की मौत हुई थी वो उस गन की थी जिसे चंद्रा अपने पास रखती थी। सर, आप कुछ भी कहें, एज फार एज आई एम कंसर्न, साइमन के कत्ल में वेदा का हाथ है। विक्रम, इस तरह कोई नतीजा मत निकालो। ये मामला अब सीआईडी के हाथ में है, ये उन पर ही छोड़ दो। ठीक है सर, जैसा आप कहें। हम में से किसी ने भी साइमन के केस में हाथ डाला ना तो हमारी यूनिट सस्पेंड कर दी जाएगी, ये एसीपी का ऑर्डर है। सर, सीआईडी के केस क्लोज करने तक हम क्या करेंगे? तू अपना मुंह बंद रखेगा या नहीं? और कोई चारा नहीं है। उन्हें क्या लगता है हम उनके गुलाम हैं? चुप बैठने का सवाल ही नहीं उठता। सामन की मौत पर जिसका हाथ है वो वेदा है, कमीना वेदा। Let's get him. सर, वेदा कहां छुपा है कौन जानता है? उसकी लॉयर जानती है। हाँ सर, कहिए। वकील साहिबा, पुलिस ने वेदा को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट में एक और केस डाला है, तो एक और एंटीसिपेटरी बेल के लिए पेटिशन फाइल करनी होगी। उसके लिए पेपर्स तैयार करके वेदा का सिग्नेचर लेना होगा, तो फोन पे बात करके पूछ लो कि वो कहाँ मिलेगा। ठीक है सर। वेदा बहुत इंटेलिजेंट है, पुलिस उनका फोन टैप कर रही है, वो ये बात जानते हैं तो फोन पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो साइन कैसे लोगे? साइन तो मैं ले लूंगी सर। ठीक है ठीक है। Hey, प्रिया के ज्यादा नजदीक मत जा। अगर उन्हें पता लगा ना सर, आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा। अनियन, अगर लॉयर कोई और होती तो क्या हम सोचते हैं? Hey, प्लान काम कर रहा है। जिस नंबर पर ये एसएमएस किया गया जरा उसको ट्रेस करो। आगे करवी रोड जंक्शन है, बाइक वालों को आगे भेजो। What's left? उनका पीछा करो।
ए, आगे जाके उस गाड़ी को रोको। अंसारी और गिरी को कहो कि बाइक से फॉलो करें। सुनो, मैडम वापस घर जा रही हैं। सर, फोन तो स्विच ऑफ है, लेकिन लास्ट नोन लोकेशन यहीं कहीं है सर। डैम इट! एक मिनट, जब स्पीड ब्रेकर पर हम रुके थे तो प्रिया के बगल में ग्रीन कॉलेज भी आकर रुकी थी। यस सर। वहीं ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हुआ है, वो गाड़ी यहीं कहीं होगी। उस ग्रीन कॉलेज को ढूंढो, कम ऑन, लेट्स गो। हेलो, गाड़ी एक्चुअली बस रुकी है सर, मैं क्या करूं सर? उस गाड़ी को फॉलो करते रहो, वो आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए, ये बात बाकियों को बता दो। कम ऑन, कम ऑन, फास्ट। गो 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 गो। सर, मैं मुल्लाई नगर पहुंचा हूं सर, मैं उसके पीछे ही हूं, उसके पास मैडम की दी हुई फाइल है। ओके सर। सर, जगह तो यही है, लेकिन इतने ब्लॉक्स में हम उसे कहां ढूंढेंगे? इस इलाके में वेदा के बहुत खबरी होंगे सर। सर, हर दरवाजा खटखटा के देखते हैं, कहीं तो मिलेगा। ए? ए? ए, हाँ। कौन लोग हैं ये लोग? पुलिस वाले हैं, और कौन है? करेक्ट, ए ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, हर घर की तलाशी लेंगे। चलो जाओ, ए, अंदर जाओ। वेदा भाई, पुलिस एरिया में आ चुकी है, एक एक करके सभी घरों की तलाशी ले रही है, चलिए। ए, क्या बोला तू? पुलिस आ गई है, आपको ढूंढ रही है, चलिए। अभी दम है। घर में कौन कौन है? अभी तो कोई नहीं है साहब। उस घर में कौन रहता है? मालूम नहीं साहब। और उस घर में? मालूम नहीं। हाँ तो दोस्त को बोलना ना, अरे वो कर देगा। और साहब ये क्या तरीका है, ऐसा कैसा हमारा घर उधर उधर कर रहा है? लगे से आए हम लोग का। अरे कहते हैं पुलिस। विक्रम सर, आखिर मुझ तक पहुंच ही गए। सुना है कि आपका दोस्त साइमन मर गया। सॉरी, सर 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 रुकिए सर, आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए आप। आप मेरी बात सुनिए, मैं आप मजाक कर रहा था सर, आराम से। सर
सर, मेरी बात सुनिए। ओ कमारा, जाओ। सुनिए, सर सर, मेरा छोटा भाई मरा, आपने उसे मारा है। ए, चुप कर। तेरा भाई क्रिमिनल था पर साइमन एक पुलिस वाला था, दोनों एक कैसे भाई? लेकिन इमोशन तो एक ही है ना सर, तुम्हारा खून खून है और हमारा खून पानी है। अरे एक नई कहानी सुनोगे सर? नहीं सर, अभी जगह तय नहीं है। हाँ, काम खत्म करके आधे घंटे में फोन करता हूँ। विक्रम, उसे देखते ही गोली मार देनी चाहिए थी। मैं मार सकता था पर तब तक वहाँ बहुत पब्लिक जमा हो गई सर, तो मैं उठा लाया। कोई टेंशन नहीं है सर, अंकुल काम होते ही फोन करता हूँ। ओके। विक्रम सर, एक दम तो बढ़ाओ। तुझे क्या लगता है सिगरेट पी के जल्दी मर जाएगा? ले पी। क्या फर्क पड़ता है सर, जब तक आपको ये पता है कि आपको मरना कब है। हर एक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कई लोग जब मौत से बचने के चक्कर में भागने लगते हैं तभी एक गोली उनका भेजा उड़ा देती है और वो बिना मौत मर जाते हैं। बहुत बुरा लगा सुन के। आपके पिता भी पुलिस में थे ना सर, ड्यूटी पर ही मरे थे ना? हार्ट अटैक आया था क्या? नहीं नहीं नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं करूंगा। नहीं, तेरे ही जैसे किसी क्रिमिनल ने उन्हें छुरा मार दिया था। ओ, इसीलिए आपको क्रिमिनल्स को गोली मारने में मजा आता है। अच्छा सर, 78 मॉडल की बुलेट आपके पापा की है ना, आप उसका चेन स्प्रॉकेट ढूंढ रहे थे, मिला क्या? ए, तू मेरी जासूसी करवा रहे? तभी तूने प्रिया को अपना लगा रखा है। मैंने तो सिर्फ उन्हें काम दिया सर। मैं जानता हूं कि आप बहुत सेंटिमेंटल इंसान है, नहीं तो उस पुरानी बाइक को ठीक नहीं कर रहे होते। सेंटिमेंट्स है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत दिन से खड़ी थी तो सोचा ठीक ही कर लूंगा, मेरे काम आ जाएगी। मुन्नी के बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो भी तो सेंटिमेंट। कोई सेंटिमेंट नहीं है, मैं नहीं चाहता कि क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल बने, सिंपल लॉजिक। ओ, पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा लेकिन क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल नहीं, यही लॉजिक है ना आपका? बकवास बहुत हो गई। सर एक कहानी सुनाने दीजिए ना, मेरी आखिरी इच्छा है प्लीज। ये कहानी बहुत इमोशनल है सर, प्लीज सर, बस एक आखिरी। तुझे किसने कहा था आने के लिए? भाई वो चल। ये टांग तोड़ देगी मेरी। अच्छा होगा अगर मैं वहां नहीं आता तो क्या होता? ए पुन्ने, तू इस पछड़े में मत पड़। आपको डर है कि कुछ हो ना जाए मेरे साथ, सच कहना। मैं भी यही सोचता हूँ।
भाई आप ये स्मगलिंग वाला धंधा छोड़ क्यों नहीं देते? पुन्नी सर, जैसे तू मैथ्स में माहिर है ना, वैसे ही मैं मेरे धंधे में। हर एक का इंटरेस्ट होता है, तो जिसमें इंटरेस्ट है वही करना। मैं इस धंधे में आया क्योंकि मुझे यही करना था, क्या समझा? मेरे पंटर मेरे जोक पर जबरदस्ती हंसते हैं, यही तो जिंदगी है। अरे क्या कर रही है, दर्द हो रहा है ना? ज्यादा किट किट मत करो, लगाने दो। ए, क्या लगा रही है? क्या लगाऊं? दवा लगाना। हाँ तो ये बोलो ना भैया। देख पुन्नी, हफ्ते में एक बार बिरयानी खाना भी नसीब नहीं होता था, अब तो हफ्ते में 3 बार एसी होटल में बिरयानी खाते हैं। हाँ तो क्या? तो तू ठीक से दवा क्यों नहीं लगाती है? अगर पैसा कमाना मुश्किल है ना, तो कोई और रास्ता देख लीजिए। आपने मुझे जो 5 लाख दिए थे ना, वो रुपए मैंने शेयर मार्केट में डाल दिए थे, और उससे मुझे 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है। ब्लैक का व्हाइट हो गया, वो अलग। ये लो, रात को लगाना, ठीक हो जाएगा। मैं जा रही है। भैया सुन लो ना भैया। अरे तू है ना, बाद में बात कर लेंगे, रुक। भैया मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अपना ध्यान रखो। हाँ तू उसकी फिक्र मत कर। भैया सुनिए ना, कहा ना तुझा। भैया आज तक मैंने कभी आपकी बात टाली है क्या? आज पहली बार मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए, कोई इज्जत का बिजनेस कीजिए भैया। फिर अपने पंडरों को भी बुला लीजिए, आपके पीजेस पर हंसने वाला कोई तो चाहिए ना। प्रवचन खत्म हो गया। तू अपने शेयर के पैसे कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर, शेयर में लगा, जहां दिल आए वहां लगा, पर मुझे जाने दे। थैंक्स। मैं क्या कहूं? नो मेंशन। नो मेंशन। बड़े भाई को समझाता है। हाय दादी। हाय भैया, लेकिन मुझे आपके सड़े हुए पीजेस पर कभी हंसी नहीं आने वाली है। हाँ हाँ मत हंसना, मैं हंसूंगा तभी तो आप हंसेंगे। हाँ हाँ चल अंदर जा। हे, जानती है क्या हुआ? मैंने भैया को धंधा छोड़ने के लिए मना लिया है। हा? अरे ये फिल्मी डायलॉग बहुत सुने, सुन सुन के पक गई हूँ। हे कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भैया से जलती है? बकवास, तेरा ही भाई है और किसी का भाई नहीं है। भाई का चमचा बड़ा आया, अब जाना उसी की गोदी में जाकर बैठ, वही तुझे खिलाएगा, वही तुझे सुलाएगा। और बस बचपन से तेरा साथ दिया, फिर भी तेरे लिए मैं कुछ नहीं। तेरी इतनी फिक्र करती हूँ इसीलिए तू मेरे साथ ऐसा करता है ना? मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है, मैं तेरे से बड़ी हूँ ना, इसीलिए शादी नहीं कर रहा है ना? एक बात बता, इतना बड़ा हो गया है और अभी भी भाई से चिपका रहता है, पता नहीं कैसा भाईचारा है। कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी काम करूं, घर बनाऊं, फैमिली बनाऊं। ये भी मैं ही बताऊं, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, लेकिन मुझे क्या मिला? तेरे दिमाग में ये चल रहा था, गला फट गया चिल्ला चिल्ला के, लेकिन तू ये सोच रहा था। छी! ए, क्या हुआ, चिल्लाना बंद क्यों कर दिया? तू चाहे कितनी भी नाराज क्यों ना हो जाए, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुझे मनाना कैसा है। सही कहा ना? ये बिल्ली तू मेरी लाइफ है। अरे कल तो बड़ा मजा आया, एक आदमी इतना बड़ा हसिया लेकर मेरे पीछे पड़ गया, मेरा ध्यान गया ही नहीं, मेरा खेल वहीं खत्म हो जाता। तब तक अच्छा हुआ कि वो पहुंच गया। फिर क्यों? फिर क्या होना था, उसने उसे ऐसे कस के पकड़ा और ऐसे घुमा के फेंका कि सारे दांत टूट गए होंगे। किसने? अपना पढ़ाकू पुन्नी यार। क्या अपना पढ़ाकू पुन्नी? और क्या, मैं तो देखता रह गया कितना बड़ा हो गया है। कुछ साल पहले इतू सा था, बैग लेके स्कूल जाता था, और अब देखो। ए, मैंने जो बोला उसे इस बारे में बताना नहीं, समझ गया ना? क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन ये केरला वाले गुंडे हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? हाँ बड़े अजीब चोर है वो। एक बात बताओ, एक चोर दूसरे चोर से चोरी करेगा क्या? अबे ओए तू चोर किसे कह रहा है? हम गैंगस्टर है दुबई स्टाइल के। उठ इधर आ। चोर और गैंगस्टर में क्या फर्क है? जो लोग मालिक से बिना पूछे उसका पैसा उठा लाते हैं वो चोर है, जो टोली में जाते हैं और पैसा छीन कर लाते हैं वो गैंगस्टर है। तुझे क्या लगता है कि ये दोनों है? तेरी तो चल जा। वेदा वो लोग अगर लोकल होते तो अभी 10 मिनट में चाकू घुसेड़ देता, लेकिन वो लोग केरला वाले गुंडे हैं, उनका आता पता कुछ नहीं मालूम है। ये वो कांटा है जो दिखता नहीं है लेकिन चुभता रहता है। जब कोई कांटा चुभे ना तो कांटे को मत देखो, बल्कि उसे देखो कि वो कहां से आया। हमारी हर चाल के बारे में उन्हें कोई बताता है,
उस चूहे को ढूंढो, समझे? कैसे है छेड़ा भाई? वेदा कैसा है मेरे शेर? छेड़ा भाई, इस महीने का कलेक्शन गिन लो। अरे रहने दे बेटा, जानता हूं तो मेरे साथ घपला नहीं करेगा। अबे तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? वेदा तो बैठ रहे, हम सब एक ही धंधे में हैं। अरे पुरानी बात भूल जा और तू भी लड़ाई झगड़ा मत कर। हम साथ चलेंगे तभी हमारा धंधा चल पाएगा, समझा के नहीं? हाँ तो इसे ठीक से समझा दो। अरे सुनो भाई, यहाँ का मटन चॉप खाइए, इस शहर का बेस्ट मटन चॉप यहीं मिलेगा, जिंदगी भर याद रखोगे। अच्छा भाई के लिए दो पराठा एक मटन चॉप, जल्दी ले आना। ठीक है। बोलो भाई। वेदा, मैंने सुना है कि तू काले पैसे को सफेद बनाता है, पर कैसे? वाह वाह क्या बात है, सबकी खबर रखता हूँ। नहीं भाई, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा भाई पुनी है ना, वो कर रहा है, पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है। भाई एक बात बताऊं, हमें 3 गुना फायदा हो सकता है, वो भी लीगल। वो इस धंधे को समझता है? हाँ। सरकार को टैक्स भी देंगे? और नहीं तो क्या। अपन तो टैक्स वसूलते हैं, फिर टैक्स क्यों देंगे? आपका बस चले तो जो मिले वो छीन लो। दो भाई को दो। शुरू कीजिए। छेड़ा भाई, इस तरह नहीं, पराठा खाने का एक तरीका होता है, पहले मीट को उठाओ। हाँ, अब पराठे में रखो, अब 3 बार रस्से में डुबाओ, चिकनी चिकनी चिक। अब खा के देखो, आग बंद कीजिए, अब बताइए कैसा लगा? अबे गजब है, मजा आ गया। गजब नहीं, मजेदार है। बेटा हाँ, मैं पैसा लगाऊंगा 50 लाख। अच्छा दिल्ली पैसा लगा रहे? ये चूना लगाएगा भाई, इस पर भरोसा मत करो। तेरे क्या चूहे? दिल्ली पीछे। ए वेदा को 50 लाख दे रहे? हाँ भाई। वेदा रख ले, भरोसा है तुझ पर। ठीक है भाई, अब खाइए आराम से। हाँ, इस बैग में 50 लाख है, समझे? ठीक। अबे सावन के अंधे, इसमें कैश है, संभाल के रख। क्यों, मैं गैंगस्टर नहीं लगता क्या? नहीं नहीं नहीं, चल निकल, निकलना नौटंकी। चश्मा नहीं लगाना गिर जाएगा। ठीक है। क्या भाई, आपने तो डिनर कर लिया, पार्टी कैसे करेंगे, दारू कैसे पियेंगे? यार चाहे खा के पियो या फिर पी के खाओ। ओ मजा तो दोनों में है। पुन्नी, ये पीकर देख। ये क्या है? क्यों दिख गए तारे? बराबर नॉर्मल सिगरेट लगती है ना, लेकिन इसमें माल भरा है, सूंघने पर पता चलता है। आजकल कौन पेपर खरीदे, फिर भरे, फिर रोल करे? आज तो खाना भी कंप्यूटर से मंगाते लोग, समझा? मैं अपने धंधे को मॉडर्न बना रहा हूँ। इसे धंधा मत सिखा, समझा? चला इधर। क्या क्या पढ़ा? कुछ नहीं। ए पुनी, ध्यान से देख इसे, ये यहाँ का बड़ा बिजनेसमैन है, अंबानी से भी बड़ा है ना। बस कर, साधु के मरने के बाद सारा पैसा इसे ही मिला है। तू भी ना, अगरबत्ती बेचने वाला आज टॉप का ड्रग डीलर है। किस बात का टॉप? उसका 20% तो तू ले जाता है। मैं तुझसे बात करने वाला था वेदा, 20% बहुत है। एड़े, एक सवाल पूछूं? पूछना। शिव जी के गले में एक सांप लिपटा रहता है ना, वो शिव जी की सुरक्षा के लिए होता है या खुद की सुरक्षा के लिए वो वहाँ गया है? अबे हाँ बोला या ना? नहीं जानता। शिव जी अगर सांप हटा दे तो उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। सांप शिव जी का साथ छोड़ दे तो क्या होगा? क्या होगा? रास्ते में कोई भी उसे कुचल कर चला जाएगा। समझ ले, तू सांप है, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, तू सांप है, तू अपनी सुरक्षा के लिए मुझे टैक्स दे रहा है, सिंपल लॉजिक है। सिद्धू भाई, पैसे कहाँ रखे? अरे वो सेफ है, चंद्रा के पास रख के आया हूँ। अरे वहाँ रखने की क्या जरूरत थी, वो मुझ पर चिल्लाएगी। भैया मैं भी आता हूँ। क्या हो गया इसे, चंद्रा से इतना घबराता? माई हाउ आर यू, तंबाकू मत खाओ। चंद्रा, चंद्रा मैं हूँ। ए जंगली बिल्ली, दरवाजा खोलना। चंद्रा, 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 चंद्रा!
चंद्रा को ना? चंद्रा को अगवा करके पैसे ले गए। ये वही केरला के गुंडे हैं। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? चंद्रा को क्यों? उनको बताता कौन है? प्रॉब्लम थी तो मुझे बोलता। वेदा, सब तुम्हारी वजह से हो रहा चला भाई, वरना ये मुझ पर हाथ नहीं उठाता। सारा पैसा खुद लेकर गया और जब वो खो गए तो मुझ पर शक कर रहा है। मेरा उस पैसे से खुद तो, चला भाई, देखिए ना। वेदा, वेदा बस कर। दिल्ली ने कुछ भी नहीं किया है, उस पर इल्जाम मत लगा। वेदा, पैसा मैंने तेरे को दिया था और वो पैसा भरेगा भी तू ही, वो भी सूद के साथ। छेड़ा भाई, मुझे मेरा पैसा चाहिए। वेदा, जब तक तू पैसा नहीं लाता कलेक्शन दिल्ली से मालेगा। पूरा काम उल्टा हो गया वेदा, कोई हमसे माल खरीदने को तैयार ही नहीं है। हालात बहुत खराब है वेदा, धंधा खत्म होता जा रहा है। मार्केट में अपना वट काम हो रहा है वेदा। भैया, पैसों के चक्कर में कहीं आप मेरी चंद्रा को तो नहीं भूल गए ना? कुछ कीजिए भैया। नहीं रे पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं चंद्रा अभी। भैया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चलो उसे ढूंढते हैं। मैं जा रहा हूं उसे ढूंढने। चंद्रा, पुन्नी, चंद्रा, चंद्रा तू कहाँ है? चंद्रा, पुन्नी, चंद्रा, बोलो चंद्रा, पुन्नी, मुझे माफ कर देना। मैंने पहली बार एक साथ इतना सारा पैसा देखा था। तंग आ गई थी मैं गरीबी और भूखमरी की जिंदगी से। मैंने सोचा था कि इतना सारा पैसा होगा तो मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि वेदा भैया को पता चलेगा तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे। उनसे बचने के लिए मैंने ये सारा नाटक किया। चंद्रा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? हम बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं चंद्रा, बस एक बार मुझसे बात कर लेती चंद्रा। लेकिन जब मैं तुमसे दूर हुई तब मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं बचपन से प्यार करती हूँ उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। अब मेरे लिए ये पैसे मायने नहीं रखते पुन्नी। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे लिए तुम मायने रखते हो पुन्नी, कुछ बोलो। क्या प्लानिंग है तेरी? छेड़ा भाई ने डंडा ना किया होता तो जो पैसे तेरी फैमिली ने चुराए थे वो तू कभी वापस लाकर नहीं देता। ए जल्ले, पैसा वापस आ गया ना। वेदा, मेरी बात सुन। कितने सालों से हम साथ हैं, अगर मैंने पैसा चुराने वाले को जिंदा छोड़ दिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? हमारे धंधे का एक ही उसूल है, जा गला काट दे उसका। अब वेदा क्या करता? भाई की सुन के चंद्रा को मारता तो पुनीत बर्बाद हो जाता और पुनीत का साथ देता तो छेड़ा दुश्मन बन जाता। काम या सेंटीमेंट, अब आप ही बताइए किसके साथ जाऊं मैं? ये पेड़ एक लाइन है, उस तरफ एक अच्छा आदमी है और इस तरफ एक बुरा आदमी। पुरानी कहानी में दोनों बुरे थे, इस कहानी में दोनों अपनी जगह सही है, तो अब मैं किसका साइड लूं, छेड़ा या पुनीत?
काम या सेंटिमेंट, आप ही बताइए। छेड़ा एक ताकतवर आदमी है, पर पुनीत वैसा नहीं है। छेड़ा से बगावत यानी तुम खत्म, जबकि पुनीत की सोचे तो चंद्रा की मौत और पुनीत खत्म। मैं पुनीत का साथ देता क्योंकि पुनीत मासूम है। सही कहा, पुनीत मासूम है। मैंने वही किया जो आप कह रहे हैं। सेंटिमेंट का साथ दिया, पुनीत और चंद्रा को गांव भेज दिया, और उस सेंटिमेंट की कीमत मैंने चुकाई गैंग वॉर की। जानते हो साइमन क्यों मरा? उसके लिए पुनीत क्यों मरा वो जान लो, बिना पता लगाए नतीजे पर मत पहुंचो। इंसान की आंखों में देखकर पता चलता है कि वो क्रिमिनल है या मासूम। दुर्गा माई ओके? God, you're bleeding. हाथ मत लगा। जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तब मुझे लगा मैं सही हूं। क्या सही हो विक्रम? अपने मतलब के लिए अपनी ही बीवी का इस्तेमाल करना। बैठो वहां। चोट तुम्हें लगती है पर दर्द मुझे होता है विक्रम। लेकिन आज तुमने जो कुछ किया उस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो प्रिया, मुझे कुछ नहीं देखना। अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो हॉस्पिटल चलते हैं। ए, जब मुझे नहीं मालूम है तो क्यों पूछ रहा बार बार? बाद में निपट लेंगे, चल। बेटा, तू कहां चला गया था? पुलिस तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है। और तू परेशान मत हो, मेरे पास एक जगह है, वहीं पर रहे और जब तक प्रॉब्लम खत्म नहीं। ए, पुलिस ने सारा पैसा रख लिया है, कुछ है? हाँ है ना। ले, 10 मिनट दे, मैं और मंगवा देता हूँ। ठीक है, चाबी दे। हाँ? कार की चाबी। ये ले। वेदा, सुन तो वेदा, नाराज मत होना पर पुलिस की हिम्मत नहीं कि तुझे पकड़ सके। लेकिन विक्रम वैसा नहीं है वेदा, उससे जरा संभल कर रहना। मैंने तभी कहा था उसकी बीवी को अपना वकील मत बनाओ, और अब तूने भी देख लिया ना, उसकी वजह से तो भागना। जब काम निकलवाना हो तो भूल जाने का कि उसका किसके साथ क्या रिलेशन है, बस अपने काम पर ध्यान देने का। ओके, हर वक्त ऐसा नहीं चलता। मुझे मत समझा। तो अब तू क्या करेगा वेदा? देख, इस तरह खुले में मत घूम वेदा। सॉरी मैडम, मैंने आपके पति को मारा। बकवास बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ। सही किया ना, अगर वो होशियार नहीं रहेंगे तो कोई भी उन्हें चोट पहुंचा सकता है। मैं वो वेदा हूं जो विक्रम को अपने बस में कर चुका हूं। मैं सवाल उसी से पूछता हूं जो जवाब देने के लायक हो। मैडम वेदा, पहेलियां मत बुझाओ।
देखिए नाराज मत होइए, पहले पूरी बात तो सुनिए। लोग मेरे बारे में जो चाहे वो कह लें, गुंडा, क्रिमिनल, डॉन, जो दिल में आए, पर मैं ऐसा ही हूं। मैंने अपने भाई को कभी शामिल नहीं किया। मेरा पुन्नी बहुत प्यारा था, मेरी बच्ची की तरह था। पता चला कि वो एनकाउंटर में मरा क्या, लेकिन वो क्यों मरा, कैसे मरा, मुझे नहीं पता चला। वो मेरे जैसा नहीं था, कीचड़ में कमल की तरह था। मैथ्स के इम्तिहान में उसने पूरे एरिया में टॉप किया, पढ़ाकू। उसे मार दिया। वेदा, आप जानती हैं कि मैंने आपको इसमें शामिल क्यों किया? क्योंकि जो मेरे सवाल हैं उसका जवाब सिर्फ विक्रम सर दे पाएंगे, पर वो जरूर कहीं ना कहीं अटकेंगे, तब उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। पुनीत और चंद्रा को वेदा ने गांव भेज दिया था, तो वो मरने यहां क्यों आ गए? साइमन का केस तभी सॉल्व होगा जब ये पता चले कि पुनीत वहां क्यों था। मुनि की खबर मिली थी, पुनीत वहां मौजूद था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आई एम सॉरी सर, मेरा एक्सपीरियंस इसे एक्सेप्ट नहीं करता। देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू समथिंग। वेदा तो एक खूनी है, तुम उसकी बात मान रहे हो? जाओ और जाकर उसे अरेस्ट करो। जस्ट अ मिनट सर। प्रभाकर, ये देखो। ये क्या है सर? जल्दी ही भरा हुआ जख्म, किसी ने चंद्रा को टॉर्चर किया है। समझ में नहीं आता, उन्होंने आखिर चंद्रा को टॉर्चर क्यों किया? सताम, जरा पुनीत के फोन रिकॉर्ड्स निकालो। ओके सर। ये देखें सर, इनकाउंटर के ठीक एक दिन पहले पुनीत इस शहर में आया था। उसके पहले उन्होंने चंद्रा को इतना टॉर्चर किया कि पुनीत को यहां आना पड़ा। ये महज इत्तेफाक नहीं है, कोई है जो ये खेल खेल रहा है। कहना क्या चाहते हो? उन्हें ये पता था कि पुनीत उस गोदाम में है और उन्होंने वो खबर हमें पहुंचा दी। उस दिन वो इंफॉर्मेशन हमें किसने दी थी? वो साइमन के खबरी का क्या नाम था? किशन कहां मिलेगा? तो पहले राइट लेंगे फिर लेफ्ट लेंगे तो वहां पे किशन का घर पड़ेगा। सर, ऐसा लग रहा है कि आज मुनि और गुंडू बाबू की सोल नहीं है। ये सब वो गिद्ध हैं जो इस एरिया पर इसलिए छा गए कि इन्हें लगता है कि वेदा खत्म हो गया। कुछ गड़बड़ है, छेड़ा यहां क्या कर रहा है? जल्दी आओ। चलो, किसने किशन को मार दिया है? वो ज्यादा दूर नहीं गए हुए। चलो सारा एरिया छान मारो। चलो चलो जल्दी जल्दी, तुम मजा आ गया। अरे मारो फिर इसको, फिर से छानबीन करो। सर को फोन नहीं लग रहा है, हम ढूंढ किसे रहे हैं? प्रभाकर, कोई हमसे दो कदम आगे की सोच रहा है, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। सर, आप फिक्र मत कीजिए, वो नहीं बचेगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अरे बोला तो था उसको, कितनी बार बोलूंगा। सर, आप जिसे ढूंढने को कह रहे हैं वो है कौन?
अरे पता होता तो पता नहीं देता, बड़ा ही सही। देखिए लो केरला वाले गुंडे, इनका आता पता कुछ भी मालूम नहीं है। ए जरा देख के चल। ये इतना है तो खुद देख के चलना। आया बड़ा। से गोली नहीं मारता तो ये आपको मार देता। और आपने कहा था कि इंसान की आंखों में देखकर पता चलता है कि वो क्रिमिनल है या मासूम। रोल्डन, अगर तुम ना मारते तो वो मुझे मार देता। कौन सा विकेट है? पहला सर। सबको फोन करो और कहो कि इसका वारंट नहीं था, पूरी फॉर्मेलिटी करें और बॉडी क्लियर करें। ओके सर। प्रिया, तो तुमने तय कर लिया है कि ना तुम मुझे देखोगी ना सुनोगी। कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें मेरी दलील सुननी होगी। सुनो। कौन सी दलील की बात कर रहे हो विक्रम? तुमने तो अपनी वाइफ तक को। दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर मैंने दूसरी लॉयर का पीछा करके क्रिमिनल को पकड़ा होता तब भी तुम अपसेट होती? नहीं पर इमोशनल होकर मत सोचो, बीफ है। प्रिया, हमारे बीच में पहले ही डील हुई थी, प्रोफेशन से जुड़ी बातों को घर से बाहर ही सुलझाएंगे, घर के अंदर हम सिर्फ मियां बीवी की तरह रहेंगे। ओके? मतलब तो मेरा फिर से पीछा करोगे? करूंगा लेकिन सिर्फ बेडरूम तक। नींद नहीं आ रही, क्या हुआ? कुछ नहीं। काम को लेकर परेशान हो? सीरियसली, ये एक बेवकूफी है। तुमने ही कहा था ना काम की बातें घर के बाहर करेंगे। प्रिया, अगर साफ साफ कहूं तो वेदा को एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो इसलिए तुमने मेरे साथ रोमांस का ड्रामा किया? नो, ना आई हैव नो क्लू वेयर वेदा इज, सॉरी। Priya, it's really important. मैंने कहा ना तुमसे। अब मैं समझी, तुम दोनों के बीच मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। पिछली बार तुम्हें वेदा का पता कैसे चला था? मेरा पीछा करके ना, बोलो। प्रिया, वो छोड़ो ना। नहीं नहीं नहीं, जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, वेदा ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे दो शब्द कहूँ। कौन से? मटन चॉप्स। समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हुआ अब।
क्या लेके आऊं साहब? दो पराठे, एक मटन चॉप और वेदा से बात करनी है। ये लो साहब। साहब, हेलो हेलो विक्रम सर, क्या हाल है सर? मटन चॉप अच्छा है ना? आपके लिए एक गिफ्ट है सर, जाफर की दुकान से उठा लीजिएगा, सेंटीमेंटल गिफ्ट है, भूल मत जाना। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये तो किसी लॉज की चाबी है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में किसने केरल गैंग को टिप दिया था? मैं तुम्हें बताता हूं कि किसने तुम्हारे भाई की इंफॉर्मेशन हमारे डिपार्टमेंट को पहुंचाई थी। बराबर नॉर्मल सिगरेट लगती है पर फुल माल भरेला है। मिस्टर रवि, साइमन को मारा है। क्या? वेदा को खत्म करने के लिए ही रवि ने हमारे साथ चाल चली थी। इस समय दोनों ही केबल फैक्ट्री में हैं। विक्रम जल्दबाजी मत कर, साइमन उसी फैक्ट्री में मारा गया। वेदा पर भरोसा करके अकेले मत घुसना, तुम इंतजार करो, मैं अपनी यूनिट के साथ बस पहुंच रहा हूं। आ जाइए सर, तब तक तो मैं दोनों को निपटा दूंगा। आगे आइए विक्रम सर, मुझे एक डाउट है, ये फैक्ट्री कोई सामान बनाने के लिए बनी थी या हमारे जैसे लोगों की लड़ाई के लिए बनी थी? चेन गियर स्प्रॉकेट के लिए, थैंक यू। नो मेंशन। तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। रवि ने जो कहानी सुनाई वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी कहानी सुनोगे तो? तुम सारे गुंडे एक जैसे ही होते हो, दोस्त बनकर पीठ में छुरा भोंकते हो। साइमन को क्यों मारा? बता, क्यों मारा? क्यों मारा बता? ए, हसमत, हसमत। साइमन के कातिल तक पहुंचने के लिए तुझे जिंदा रखा था, समझा? विक्रम सर, एक आदमी का सामान यहाँ खोया था और वो ढूंढ यहाँ रहा था, क्योंकि एक तरफ अंधेरा था और एक तरफ उजाला। सामान यहाँ खोया था लेकिन वो यहाँ ढूंढ रहा था क्योंकि यहाँ दिखता है। मैं अभी तेरा भेजा उड़ा दूंगा, जो कहना है साफ साफ बोल, चल बोल। मार दो ना सर, मार दो, मार दो। आप अच्छी तरह जानते हैं सर कि मेरी कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता है, ये कहानी भी हमारे बारे में ही है। आपको कहानी सुनने और मुझे सुनाने की आदत पड़ गई है। हाँ, तो फिर एक कहानी और सुन लो। हाँ
भैया ये 2000 के हैं, चेंज कहाँ से लाऊंगा? 500 तो रख लेना। उल्टे हाथ से खाने की आदत अभी भी गई नहीं तुम्हारी? तो क्या हुआ भैया, आखिर बात क्या है? हमारे साथ ही जी जान से पीछे लगे हुए, लेकिन छेड़ा कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। मैं 10 पंटरों को भेजता हूँ तो वो 100 को भेजता है। इस जंग को अंजाम देना ही पड़ेगा। भैया वो सब छोड़कर हमारे साथ रहिए ना। शादी कर लो और बीबी से रोज झगड़ते रहो। क्या बकवास कर रही हो, औरतों को आज तक कोई समझ पाए? वो क्या है ना कि हर समय आदमियों से घिरा रहता हूँ ना, इसलिए औरतों के पास जाने में हिचकिचाता हूँ। वैसे मेरी भी एक लव स्टोरी है, सुनोगे? क्यों, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता? हाँ ओके। भैया थोड़ी भारी है। अरे घबरा नहीं, ये अपनी ही है। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? बताया था ना, हसीये से मारते हैं तो खून कपड़ों पर गिरता है। गन से ठाए ठाए मारा और निकल लिए। आइडिया अच्छा है ना? हाँ। छे तैयार रखना, मैं आकर ले लूंगा। भैया इसे दूर रखो। भैया हाँ, सॉरी। सॉरी काहे के लिए? मेरी वजह से गैंग वॉर शुरू हुआ ना। पुनी अगर अंडा टूट जाए तो टूटे हुए अंडे को लेकर रोना नहीं चाहिए, बल्कि उस टूटे अंडे का ऑमलेट बनाकर खा लेना चाहिए। क्यों चंद्रा? भैया अब इस ऑमलेट को हजम करना मुश्किल हो गया है। ए, कब तक मैं छेड़ा जैसे आदमियों के साथ काम करता रहूंगा, है ना चंद्रा? हाँ सुन पुन्नी, जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम बड़ी बड़ी होगी ना तभी ऊपर जाएगा। कोई देख ले। अच्छा है ना? हाँ। ए, शकल पे बारह क्यों बजा है? अब मैं जाऊं? मैं नहीं जानता था कि इन दोनों को मैं आखिरी बार जिंदा देख रहा हूं। वेदा ध्यान रखना। हमारे शहर में आजकल एक नया बदलाव देखा जा रहा है। पहले तलवारें इस्तेमाल होती थी, लेकिन आज के दौर में बंदूकों का इस्तेमाल हो रहा है। शुक्रिया साहब। नहीं, नहीं। कौन कब कहां से हमला करेगा कोई नहीं जानता। लेकिन बेदा, तेरा तो वट ऐसा है कि छोटे मोटे गुंडे बिल में छुप जाते हैं। तू तो शोले का गब्बर सिंह है, जब बच्चे सोते नहीं है तो माए तेरे नाम से ही डराती हैं। अपने पूरे धंधे में तेरी इज्जत करने का मन करता है। चाटूगिरी तो कोई तुझसे सीखे। बेदा इसका मुंह बंद कर, छोटा रवि। मेरे हिस्से का कहां है? अरे अपना पेट देख, थोड़ा एक्सरसाइज कर, मटका हो गया। छोड़ यार, ये हाफ बॉयल देना। और सुन रवि, तरीका थोड़ा बदल गया है। कौन सा? तू तेरा काम जैसे कर रहा है करता रहे, लेकिन अभी 80-20% नहीं रहेगा, 50-50%। क्या 50-50? पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? मैं बाहर जाके भीख मांगू? जा ना, कटोरा दू। गोदी में काम करने वाले चूहे मेरी बराबरी करेगा। ए रवि, बैठना, इसको समझाना वेदा। अरे तू टेंशन मत ले, बैठ जा, मैं हूँ ना। उड़ रहा है यार, बात करने की तमीज नहीं है? जानता है ये कौन है? नहीं तो क्या? चरस गांजे का धंधा करता है। दिन रात मेहनत करके अपने बिजनेस को इसने आसमान तक पहुंचा है। और क्या, बता इसको। और तू कौन है? ना? इसका खरीदा हुआ गुलाम जो इसे बचाता है। बचाने के लिए इसे 50% दे दीजिए सर। क्या वो सांप सूंघे? वेदा चीयर्स। ए रवि, अभी बच्चों से धंधा करवाता है? नहीं। ए रवि। नहीं रवि, सच बोल। सच बोल रहा हूं। ए, एक बैग बना ना। अरे मेरे लिए भी बना। अरे छोड़, नाराज मत हो, दे दे एक बैग। दे दे, देखना उसे कैसे मुंह फुला के बैठा है। दे दे, दे दे। काम खत्म होने पर और मिलेगा, पर वेदा और उसकी गैंग कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, गन प्रॉब्लम है। वेदा के आदमी छिपकर गोली चलाते हैं, हम उनके पास फटक भी नहीं पाते। कुछ भी कह लो, वेदा पावरफुल है। कितना कितना पावरफुल है? मुझसे ज्यादा है क्या? मेरे एरिया पर साधु भाई का राज था, उसके बाद मैं इस एरिया का डॉन बन जाता। वेदा ने बीच में टांग अड़ा दी,
मैं बच्चों से काम करवाऊं या उनके बाप से करवाऊं, उससे उसका क्या मतलब? उसे मरना है, उन सबको मरना है, बहुत हो गया। दो गैंग की आपसी दुश्मनी अब सड़कों पर उतर आई है और इससे शहर वालों की शांति भंग हो गई। और ये सब काबू में लाने के लिए सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। न्यूज़ सुना भाई? हमारे लिए पुलिस भाग दौड़ मचा रही है, हम फेमस हो गए भाई, अब हम इस एरिया के डॉन बन गए। कौन है भाई? पुलिस है? पुलिस? भगवान नहीं 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 ये क्या हो रहा है? पुलिस सिर्फ हमारे पीछे क्यों पड़ी है? कल्लू की अभी उम्र ही क्या थी? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक यहाँ सब शांत नहीं हो जाता अंडरग्राउंड हो जाए। दिमाग नहीं है क्या? वेदा अंडरग्राउंड हो गया ना तो हमारी इज्जत गई समझो। दो चार छोकरे क्या मरे, लोग कहेंगे वेदा जाकर बिल में छुप गया, फिर इससे कौन डरेगा? पलटवार कर वेदा, तब उनको समझ में आएगा। गिरगिट क्या हो गया? वो पुलिस भी एड़ी है जो तुझ जैसे गधे को छोड़कर हमारे शेरों के पीछे पड़ी है। देख अगली बारी तेरी ही होगी। तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? तू भी नहीं बचेगा। पुलिस पीछे, हम जैसों का एनकाउंटर करना इनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मुझे ये काम किसी पुलिस वाले का नहीं लगता। तो फिर सबके पीछे कोई तो है, उसका पता लगाना होगा। क्या पता लगाएगा तू? हाँ, कितनी देर तक चले गए? हमारे सारे आदमी मारे गए, अपना भी नंबर आएगा। ए, फट गई क्या? पुन्नी सही कहता था। अब समझा? आप बोल, तू चाहता है कि मैं अकेला चला जाऊं? चल चल, अब तू भी मेरे साथ मैं चल। तो तेरे पीछे नहीं, नहीं, तू आगे आगे चल, नहीं चाहिए, तू भी मेरे साथ चल। अरे टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। तू चल ना, मैं आता हूँ। चल चल नहीं, नहीं, चल चल नीचे उतर, चल चल मेरे दरवाजा खोल। नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है? चल नीचे उतर। मुझे नहीं लगता कि वो लौट के आएगा। मैं हमेशा सोचता था कि जीतना ही शान है, लेकिन उस दिन जीत के मायने पूरी तरह से बदल गए। हाफ बॉयल, पता नहीं, कार में तो नहीं था। भाग गया। वो कार में ही था, वो भी एक यमदूत है, फिर से बच गया। ये लो, मैंने वादा पूरा किया, पूरे 25 लाख है। बाहर से बंदूक लाकर यहां दहशत फैलाएगा? बंदूक से ज्यादा ताकत मेरे पास है, समझा? सर, सारे खत्म हो गए सर, सिर्फ वेदा बचा है, उसे भी ढूंढ निकालेंगे। उसको इतनी गोलियां मारना कि डॉक्टर छेद सिलते सिलते थक जाए। डबल पेमेंट मिलेगा।
तो विक्रम सर, आपका लॉजिक तो बहुत क्लियर था ना, ये काला है, ये सफेद है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पुलिस है, ये क्रिमिनल है, तो आप कहां खड़े हैं? लाइन के इस तरफ या लाइन के उस तरफ या फिर लाइन के बिना एक गोले में? बोलिए सर। तो तुम्हारे हिसाब से साइमन ने रवि से घूस ली, तो तुम कहानी सुनाते रहोगे और मैं यकीन करता रहूंगा? तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? विक्रम सर, विक्रम सर, आप अपने आसपास क्यों नहीं देखते हैं? घोड़े की तरह आंख के पास पट्टी लगाई है क्या? जबकि आप जानते थे कि साइमन का बेटा बहुत बीमार था, उसे पैसों की जरूरत थी, कम तनख्वाह की वजह से वो इलाज नहीं करवा पाया। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मुझे जरूर बताता। वो आपको बताने से डरता था। आपकी ईमानदारी से लोग डरते हैं। साइमन, विक्रम सर, आप एक बंदूक की तरह हैं, जिसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए मैं आपसे नाराज नहीं हूं। बिल्कुल सही कहा विदा, मैं बंदूक ही सही, पर तुम वो गोली हो जिससे तुम्हारा भाई मरा। तुम्हें तुम्हारे बिल से बाहर निकालने के लिए मैंने उसे मारा जरूर है, लेकिन उसकी मौत की वजह सिर्फ तुम हो। तू वजह नहीं है, बचपन से मैंने एक सपना देखा था, उसके लिए मेहनत की थी, खुद को लायक बनाया था, और जब मेरा सपना पूरा होने वाला था तभी तूने एक भेड़िया की तरह मेरे सपने को मुझसे छीन लिया, और बाद में मुझे तेरे ऑर्डर सुनने पड़े। तब मैंने क्या किया पता है? मैंने तुझे खत्म करना चाहा, पर प्लान फेल हो गया। देख क्या रहा है, मार डाल बेटा। नो, 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 नो! ये क्यों किया? अब कैसे पता चलेगा कैसे साइमन को क्यों मारा? पर रवि ने साइमन को मारा ही नहीं। तो फिर किसने मारा? किसने? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जाओ पता लगाओ। वेदा एक बार फिर तुम्हें कहानी सुनाकर भाग गया, और फिर तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया, क्यों? एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर रवि ने साइमन को नहीं मारा तो साइमन मरा कैसे? क्लियरली साइमन चंद्रा को मारने यहां आया था, लेकिन इस शूटआउट में चंद्रा ने साइमन को मार डाला। सर, हमें इस बारे में जरा दूसरा एंगल से सोचना होगा। विक्रम, फॉरेंसिक रिपोर्ट यही कहती है। लेट्स फॉरगेट अबाउट द फॉरेंसिक्स, लेट्स थिंक अबाउट द पीपल। साइमन का मानना था कि उसके बेटे एलेक्स की बीमारी के लिए वो ही जिम्मेदार है। तभी वो मुनि के शूटआउट में मासूम पुनीत पर गोली नहीं चला पाया। साइमन यहां चंद्रा को पकड़ने या मारने नहीं आया था, साइमन यहां चंद्रा को बचाने आया था। केरल के गैंग ने किसी तरह से चंद्रा को पकड़ लिया था और वहां बांधकर उसे टॉर्चर भी किया। आवाज मत करना। और ये आवाज सुनकर गुंडों ने वहां से गोली चला दी। आओ।
विक्रम, मुझे नहीं लगता कि चंद्रा को यह पता था कि साइमन उसे बचाने आया है। चंद्रा ने साइमन को इसलिए मारा क्योंकि वो पुनीत की मौत का बदला लेना चाहती थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सब क्लियर है। साइमन को लगने वाली गोली वहां से चंद्रा की गन से ही चली थी। अपनी बहन की शादी बड़े ही शान से 5-स्टार होटल में की थी ना? पांडियन, तुमने नई बाइक के एक साथ पैसे दिए थे ना? और अंसारी, तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, उसके तो काफी फीस होगी नहीं? प्रभाकर, रोज लॉज में जाते हो हाई क्लास आइटम के साथ? हाँ, वेलराज, रेस कोर्स में तुम घोड़े पर 2 लाख हार गए थे, वो भी हार्ड कैश। सर, आपने सही कहा था, पुलिस की नौकरी के अलावा मुझे कुछ और नहीं आता। घोड़े की तरह सामने देखता हूं, मैं वही देखता हूं जो मुझे दिखाया जाता है। मैंने भी लाशों के हाथों में कई बार गन रखी है और यही तुम लोगों ने किया है। लेकिन सर, द डेविल इज इन द डिटेल्स। चंद्रा के जिस हाथ से आपने गन चलवाई थी वो हाथ गलत था। उल्टे हाथ से खाने की आदत गई नहीं तुम्हारी? आपने उसके लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड में गन रखवा दी। तो और मैं क्या करता? गुंडों को मारना ही हमारी ड्यूटी है और उसके लिए हमें कोई और पैसे दे देता है तो क्या बुरा है? मेरे पैर देखो, ड्यूटी पर लंगड़ा हुआ, डिपार्टमेंट ने मुझे क्या दिया? क्यों, तुम्हें और तुम्हारे पापा को ईमानदारी के लिए क्या मिला? एक पुरानी बुलेट और एक सरकारी क्वार्टर। सिंपल प्लान था। इस लड़की का नाम क्या था? चंद्रा। जब उसे टॉर्चर करेंगे तो उसे बचाने के लिए पुनीत यहां आएगा। हम उसे मारेंगे तो बिल में छुपा हुआ वेदा गुस्से में बाहर आ जाएगा। रवि ने कहा था वो 50 लाख देगा अगर हम वेदा को मारेंगे, लेकिन तभी साइमन का जमीर जाग गया और वो अचानक ईमानदार बन गया। इस चक्कर में अगर वो हमारा प्लान किसी को बता देता तो हम सब जेल में सड़ रहे होते। हमारे पास बस एक ही रास्ता था। साइमन को मार डाला। मैंने जब भी किसी क्रिमिनल को मारा है अपना फर्ज समझकर मारा है, लेकिन तुमने इसे धंधा बना लिया। ऐसे तो हम भी सुपारी लेने वाले बन गए। उनमें और हम में क्या फर्क रह गया? पुलिस हो या क्रिमिनल, कौन हो तुम? कौन हो तुम? पुलिस को गैंग बना दिया। मूव बैक, 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 मूव। कवर, ड्रॉप योर गन्स, गन नीचे फेंको। ए, गन नीचे फेंक। सब अपनी गन दूर फेंको। सद्दाम, कवर मी। यस सर। तो जाओ। सद्दाम, देखो तंग नहीं ली। सद्दाम, फंस जाएगा। नहीं सद्दाम, नीचे बैठ जाएगा। सद्दाम, बात सुन। हमारे पास मारो लेके।
थैंक्स वेदा, आपकी जान बचाने के लिए सिर्फ थैंक्स। क्या इंसान है। अभी भाग 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 चलो उस तरफ जाएं। ये तो गोली ऐसे चला रहे हैं जैसे पटाखे फोड़ रहे हैं। भाई हाँ खड़ा हो जा, जबरदस्ती है। खड़ा होता है कि नहीं? मेरे पीछे रहना। विक्रम सर, वो आपसे नाराज है या मुझसे? आपसे। ठीक है तो फिर आप ही लड़िए। विक्रम सर, जेम्स बॉन्ड लग रहा हूं ना। संभाल के। ए! भाई, कवर। ऐसा बोलो ना, अभी लाया प्लास्टिक कवर। ए, प्लास्टिक कवर की जरूरत नहीं है, आ जाओ। अरे बाप रे, तू तो गया था। ऐसा बोलो ना, बाथरूम जाना है। ए, तेरे आगे क्यों किया? उसकी गोलियां खत्म करने के लिए। तो ठीक है। यू आर अंडर अरेस्ट, आईपीसी की धारा 420। शूट कर दूं सर, गोली चलाओ। नहीं, बताइए ना सर। तू तो पुलिस में आते ही क्रिमिनल बन गया। सर मैं तो बस आसान नहीं होगा विक्रम। मारना तो है ही, लेकिन नस्ली गुनहगार को ये तो सुधर जाएंगे, पर तुम्हें ये क्या सर, एसपी को मार दिया, अब तो केस चलेगा। हाँ, केस आप ही की बीवी लड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए राजी होगी। फिक्र मत कीजिए, आपकी सिफारिश करूंगा। हंसते हुए आप बहुत मासूम लगते हैं। लव मैरिज है, एक लव स्टोरी है, सुनाओ क्या? नहीं, बहुत हुआ, बच्चा नहीं हूं मैं। लेकिन नुकसान में रहोगे क्योंकि अच्छी कहानी है। विक्रम सर,
इन दोनों को देखो ना, ना ही अपने लोगों के साथ वफादारी की और ना ही अपनी ड्यूटी के साथ ईमानदारी दिखाई, हमेशा पैसे के पीछे भागते रहे। हैं? इन्हें पता नहीं है क्या कि मरने के बाद कोई कुछ लेकर नहीं जाता, कीड़े की तरह पड़े हैं। आखिर में हमें ही क्या मिला, कुछ नहीं, जिंदगी एक खिलवाड़ है। और क्यों सर, पुलिस? वेदा सर बोलो, विक्रम क्या करेगा? तुम्हें जाने देगा क्योंकि तुमने उसका साथ दिया और उसकी जान बचाई, या तुम्हें गोली मार देगा क्योंकि तुम्हें कातिल हो जिसने 16 मर्डर किए हैं? क्या करेगा बताओ वेदा सर? No, 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 no,